हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला छावनी से लगातार सातवीं बार जीत के बाद से विज को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी के चलते आज द ग्रेट खली अनिल विज से मिलकर उन्हें बधाई देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे। इस दौरान खली ने विज को पुष्पगुच्छ देकर लड्डू खिलाया और जीत की बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए द ग्रेट खली ने कहा कि अनिल विज उनके पारिवारिक सदस्य है, उनकी जीत से ना उन्हें बल्कि पूरे हरियाणा में ही खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि अम्बाला की जनता ने अनिल विज को उनके काम को देखते हुए भरपूर प्यार और समर्थन दिया है। अनिल विज खुद भी जनता के लिए हर शनिवार और रविवार को बैठक कर जनता की समस्या सुनकर उनका निवारण करते हैं, इसीलिए जनता ने उन्हें भरपूर प्यार दिया है। वहीं इस बारे में जब लोकल 18 की टीम ने पूर्व मंत्री अनिल विज से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र अम्बाला छावनी की जनता पर थी। उन्हें हराने के लिए प्रशासन ने बहुत से कुछ किया था, लेकिन अम्बाला की जनता ने सभी को ठेंगा दिखा दिया है। सर, अम्बाला पहुंचे आज, विद साहब से मिले हैं, सातवीं बार विधायक बने हैं, विद साहब कितनी बधाई दी, क्या कुछ? बिल्कुल बधाई दी है और बहुत खुशी की बात है। और दूसरी बात ये है कि भी जो अनिल विज है, हमारे को एक घर के संबंध है उनके साथ, और आज मतलब भारी वोटों से जीते हैं और बहुत खुशी हुई है। मेरे को खैर होनी है, मैं तो घर का बंदा हूँ, लेकिन पूरी जो पार्टी है बीजेपी की और पूरे जो एक हरियाणा के लोग हैं बहुत खुश हुए, बहुत एक उनके अंदर एक जोश है कि भाई जो आई थिंक छठी या सातवीं बार विधायक बने हैं, मतलब छोटी बात नहीं होती, मतलब एक बार बंदा बन जाता दूसरे बार जितना बड़ा हार्ड होता है, लेकिन जो अनिल विज के जो काम और एक उनका व्यवहार लोगों से, लोग उनको बार बार जिता रहे हैं, सो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक और उसके हकदार भी है क्योंकि पब्लिक के लिए काम करते हैं। लोग ऐसे होते हैं कि जो जब जीत जाते तो फिर मतलब चंडीगढ़ बैठ जाते हैं। जो अनिल विज है, मैं देखता हूँ कि हर सैटरडे संडे यहाँ पर 2500-3000 लोग बाहर खड़े होते हैं और हर बंदे की बात सुनते हैं, तो ऐसा मैंने कभी आज तक ऐसा लीडर देखा नहीं जो एक लोगों की आम लोगों की समस्या सुने और साथ के साथ उसका निपटारा करे। सो एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि भाई अच्छे लोग चुन के आए हैं, और आज मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनिल विज को और पूरे पार्टी। मुख्यमंत्री का दावा क्या है, अनिल विज ने क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बनेंगे, पार्टी बनाएगी? देखो ये मतलब थोड़ा मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि भी मतलब हार्ड हो जाता है। एब्सोल्युटली मैं तो चाहूँगा ही और बनना भी चाहिए, लेकिन मतलब कई बार ऐसे होता है ना जो भी चीज़ें कुछ बताई नहीं जा सकती, और जब तक मतलब हाई कमांड की मतलब एक मतलब आदेश नहीं हुआ तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। और लेकिन बिल्कुल जिन्होंने अच्छा देश के लिए काम करा है, अपने हरियाणा के लिए, अपने हलके के लिए काम करा है, एब्सोल्युटली मतलब उनका हक बनता है और उनको उनको एक बनाना चाहिए मतलब। सो लेकिन जो भी है वो मतलब एक हाई कमांड का जो आदेश होगा उसके अनुसार होगा। नहीं, बड़ी दूरी आ रही है मिलने के लिए, सारे हिंदुस्तान से, विदेशों से लोगों के फोन आ रहे हैं और लोग, सारा हिंदुस्तान अम्बाले की चुनाव पर नज़र रखे हुए था, और यहाँ पर हमारे मेहरबानों ने भी ख़ास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासन ने पूरी कोशिश करी मुझे हराने की, लेकिन सबको ठेंगा दिखा दिया अम्बाला की जनता।